हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैकडोनल्ड स्टाइल गार्लिक ब्रेड बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, बिना ईस्ट और बिना ओवन के। चलिए इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, इस तरह का डिब्बा आता है उसमें से 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग सोडा, दोनों इक्वल मात्रा में, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1/2 चम्मच चीनी। और इस डालने के बाद में दही से इसका अच्छा सा डो, सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद इस डो को 1/2 घंटे रेस्ट होने के लिए रख लेंगे। मैंने डो पहले से तैयार करके रखा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब देखिए, ये हमारा डो बन के तैयार है। ये बिल्कुल रोटी के जैसे आटे से हम रोटी बनाते हैं, उसी तरह का ये सॉफ्ट डो लगाना है। अब इसको हम ढक कर साइड में रख देंगे। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, पैन चढ़ा देंगे, इसमें हम 2 चम्मच बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल देते, नहीं तो ये बटर जल जाता है। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब हमारा बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच मैदा डालेंगे, डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। लो फ्लेम पर इसको धीमे धीमे हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हम इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे जिसमें इसमें लम्स ना बनने पाए। इसको बराबर चलाते रहें जिसमें इसमें एक भी लम्स ना आए। देखिए फ्रेंड, ये हमारी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब हम बटर तैयार करते हैं। ये बटर रूम टेम्परेचर पे, इसमें हम गार्लिक डालते हैं 1 चम्मच क्रश किया हुआ गार्लिक, चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी कोरिएंडर। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, आप चाहें तो मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। अब डो की एक बड़ी सी बॉल लेकर हम इसको बेल लेते हैं। चाहे तो इसमें सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं, अगर आपका आटा सरफेस पे चिपक रहा है तो इस पर सूखा मैदा डस्ट करके हम इसे बेल लेंगे। बस याद रखना कि इसे हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए, इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है। अब हम इस पर बटर लगाएंगे। इसका हमें जब भी बटर लगाएंगे ये साइड के थोड़े से एजेस चारों तरफ के लिए छोड़ देने, क्योंकि हम इसको पानी लगाकर सील करेंगे। अगर वहाँ बटर लग जाएगा तो फिर वो सील नहीं होंगे। अब इसके ऊपर हम अपना सॉस लगा देंगे।
अब आप इस पे चाहें तो स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, जो भी वेजिटेबल चाहें तो डाल सकते हैं। डालने के बाद अब हम इसमें चीज़ आप चाहे तो क्रश करके, या आपके पास स्लाइस है तो उसके पतले पतले टुकड़े करके रख सकते हैं। अब इसके एजेस पे हम पानी लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे और इसको सील कर देंगे, हाथों की मदद से इसको सील कर देंगे। इसको अच्छे से सील कर दीजिए। करने के बाद में अब हम इसके ऊपर दोबारा से बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद में इसके ऊपर हल्का सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। हल्का सा मिक्सअप डाल देंगे। आप चाहें तो ऑरिगेनो भी यूज़ करते हैं, मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है। अब इसके बाद में इसमें कट बना देंगे। अब ये बेकिंग जो मैंने तैयार करके रखी हुई है, इसको मैंने अच्छे से बटर से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस ब्रेड को उठाकर सावधानी से इस पर रख देते हैं। अब इस पे हम एक बार अच्छे से बटर लगा करके इसको ओवन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट करके 10 मिनट के लिए इसको ओवन में लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ब्रेड बेक हो चुकी है। अब देखिए ये बाहर से अच्छे से पक गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई, और इसको तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितने अच्छे से क्रीमी बन गई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।